नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पैरेदार भारत न्यूज में। इस समय मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ हरियाणा के सिरसा जिला से। लघु सचिवालय की फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो आप देख रहे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि दी रिवेन्यू पटवारी और कानून को एसोसिएशन है, उनके द्वारा यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। लगातार बीजेपी सरकार है, लगातार जो मौजूदा सरकार है उनके खिलाफ जमकर है जो नारेबाजी की रही है। उनका कहना है कि यहाँ पर सिरसा जिला में कुल 324 जो पटवारी के पद हैं उनमें केवल 79 जो पटवारी हैं वो इस समय कार्यरत हैं। उनका यही कहना है कि लगातार जो पटवारियों की खाली पोस्टें पड़ी हैं उनको भरा जाए, और जिसके कारण हमें जो खाली पड़ी पोस्टें हैं उनके कारण हमें लगातार शारीरिक और मानसिक जो परेशानी है वो झेलनी पड़ती है। तो बाकी पूरा मामला क्या है, पटवारियों से बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है। मैं लाभ सिंह कानूनगो, डिस्ट्रिक्ट प्रधान कानूनगो एसोसिएशन सरसा। आज हमारा है जी, हमारे सिरसा डिस्ट्रिक्ट में खास करके पटवारियों की बहुत ज़्यादा कमी है और सरकार इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। हमने बार बार दुष्यंत चौटाला जी को भी, सभी को मिलकर हमने अपना इनको सरकार को एक हफ्ते पहले एस्टिमेट दिया था भी हम अगर नहीं कोई कार्रवाई हुई, अगर नहीं कोई किसी प्रकार का भी हमारा साथ नहीं दिया तो हम धरने पर बैठेंगे। आज हम अनिश्चितकाल धरने पर बैठे हैं कि सरकार सिर्फ खास तौर पर सिरसा डिस्ट्रिक्ट में पटवारियों की जल्द से जल्दी भर्ती करे और हमारे को आदमी को काम नहीं चल सकता। 324 पद पटवारियों के सिरसा डिस्ट्रिक्ट में है जबकि 79 पटवारी काम कर रहे हैं। उनके ऊपर मानसिक दबाव इतने हैं कि वो ना काम कर सकते हैं। जिम्मेदार परेशान हैं, हम परेशान हैं, इसलिए आज हमने पूर्ण सिरसा के अंदर ये हमने आज प्रदर्शन के लिए बैठे। हम अगर कोई सुनवाई नहीं हो तो अनिश्चितकाल तक चलेगा। वैसे तो सभी जिम्मेदार का हर कार्य प्रभावित होगा। जो भी प्रभाव, किसी ने कोई फर्द लेनी है, किसी ने कोई भी डोमिसाइल बनाना है, जो भी पटवारी की रिपोर्ट होती है वो हर चीज़ पे होती है। शुरू से जो भी कागज होता है पटवारी उसको करता है, उसके अलावा आगे कागज नहीं जाएगा। ज्ञापन आज नहीं हम देंगे, ज्ञापन तो जब डी साहब बुलाएंगे तो देंगे नहीं। आज हमारे को अगर बुलाया तो ज्ञापन दे देंगे, ना बुलाया तो नहीं देंगे।